बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो है लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, और इस लेसन नंबर 3 के अंदर जो है हम देखेंगे कि इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए फॉर्म बनाएंगे या फॉर्म किस तरह से हम उसमें डिजाइनिंग करेंगे। तो पिछली जो क्लासेस अगर हमारे नए स्टूडेंट्स इस वक्त ज्वाइन किया है हमें और पिछली क्लासेस उन्होंने अगर अटेंड नहीं की है तो ऊपर आई बटन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारी जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था किस तरह से हम अपने जो है टेबल की फील्ड क्रिएट करते हैं, और दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने रिकॉर्ड जो है वो फीड करते हैं टेबल के अंदर, और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने उन रिकॉर्ड्स को फॉर्म के ऊपर जो है एलोकेट करेंगे, और फिर हम फॉर्म के थ्रू जो है फॉर्म के ऊपर रहते हुए अपने रिकॉर्ड को फीड अप करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डेटाबेस को या अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। जस्ट लाइक अगर सपोज करें कोई स्कूल है और उस स्कूल के अंदर जो है तमाम स्टूडेंट्स का डेटाबेस आपने बनाना है, उनके रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। या आप किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैक्ट्री ही में क्यों ना हो, अगर आपकी जॉब है तो अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम लोगों का डेटाबेस क्रिएट किया जाए विद फोटोग्राफ्स, तो आप इसके लिए एमएस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास के अंदर आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जी, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास देखें, लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ तमाम हमने जो है इसमें रिकॉर्ड्स फीड किए थे, तकरीबन 5-6, बाकी हमने बाद में और इसमें ऐड कर लिए ताकि टाइम सेव हो। तो इन तमाम रिकॉर्ड्स को जो इन तमाम रिकॉर्ड्स को जो है हम देखेंगे अपने फॉर्म के थ्रू। तो फॉर्म बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम ऊपर आएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ पर देखें, मैं जूम इन करके दिखाया आपको फॉर्म, ये फॉर्म की कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो है फॉर्म डिज़ाइन, दूसरी ये भी ऑप्शन है। तीसरा जो है यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड के थ्रू भी जो है आप, मतलब ये तीन कमांड्स के थ्रू हम देखेंगे तैयारी करने का तरीका, देखेंगे किस तरह हम फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर जब हम फॉर्म के ऊपर लेकर क्लिक करेंगे तो एक्सेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जितना भी रिकॉर्ड्स है ना, जितना भी डेटाबेस है उसको कन्वर्ट कर, मतलब लेकर आ जाएगा या एलोकेट कर देगा फॉर्म के साथ। देखिए लेकर आ गया सारे। अब यहाँ पर ये तीन कमांड्स आपको देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यू के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो तीन कमांड्स आपको मिलेगी कि व्यू फॉर्म, लेआउट व्यू, ठीक है ना, और तीसरा जो है डिजाइन व्यू। अब इन तीन कमांड्स के थ्रू हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेआउट व्यूज के अंदर क्या होता है कि आप इसमें मतलब थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और डिजाइन व्यू ये देखें लेआउट के अंदर कर सकते हैं, और नीचे जो डिजाइन व्यू के अंदर जो पूरी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने फॉर्म की। तो देखें अब इसमें क्या किया है इसने कि चले इसमें थोड़ा सा हम डिज़ाइन व्यू पे आते हैं, तो अब आपको मूड के ऊपर लेकर आ गया है कि अब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर। अब देखें जैसे अभी हमारे पास ये इतने बहुत सारे कॉलम्स हैं, तब सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिए, देखें साइज छोटा कर दिया, ये देखें आया नहीं, एक मिनट दोबारा इसको क्लिक करके देते हैं, ये देखें छोटा हो गया, या फिर पूरा तमाम को ऐसे सब सिलेक्शन करके और फिर हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने जो है वो नॉर्मल फॉर्म की कमांड से क्या किया, ऑटोमेटिकली जो है बस थोप थाप दिया आपके रिकॉर्ड को फॉर्म के ऊपर लेकर आ गया। अब आप उसको थोड़ा सा खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं, फिर इसको नाम सेव करते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फॉर्म 1, और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर आप यहाँ पर फॉर्म का एक जनरेट हो गया है। इसी तरह से अब हम आते हैं यहाँ पर क्रिएट में, और देखिएगा यहाँ पर फॉर्म पे आपको शो कर दिया है। तो यहाँ पर आपका देखें एक रिकॉर्ड था और एक रिकॉर्ड में पूरी पिक्चर वगैरह सारी आपको शो कर रहा है यहाँ पर। ओके चले अब मजीद इसके अंदर हम देखते हैं कि नीचे आप हम आके देखते हैं नीचे कुछ कमांड्स हैं, कुछ बटन से जूम इन करके देखा हमने। तो यहाँ पर देखें रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आपको 1 by 1 रिकॉर्ड मूव करने के लिए हम यूज, देखें ये जो यूज करेंगे फर्स्ट पहले रिकॉर्ड के ऊपर आपको आ जाएगा, और उसके बराबर वाला करेंगे तो ये मतलब ये लास्ट वाला करेंगे तो लास्ट पे उसके बराबर में देखें, ये आपको 1 by 1 आगे जाने के लिए, 1 by 1 पीछे जाने के लिए, और ये जो है तो लास्ट रिकॉर्ड पर आने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं नेविगेशन बटन, या रिकॉर्ड को जो है आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड पर हमें सेकेंड देखें ये इससे क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड्स पर आ रहा है, और ये डायरेक्टली फर्स्ट पर, ये देखें 1 by 1 आगे पीछे हो रहा है, और ये इससे जो है लास्ट वाले रिकॉर्ड पर आ गया 11 रिकॉर्ड्स के ऊपर, और यहाँ से इससे फर्स्ट वाले पे आ गया। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन तीन बटन्स को। लेकिन
ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सिस्टम है कि उसने खुद से बना के दिया। अब हम चाहेंगे कि हम अपने फॉर्म को खुद से डिजाइन करें और खुद से बटन बनाए और उन बटन के ऊपर ये एक्टिविटीज चलती रहे। तो उसके लिए हम देखिएगा यहाँ पर अभी हम इसमें कोई रिकॉर्ड फीड भी कर लेते हैं। चले रिकॉर्ड नंबर 12 हमारे पास यहाँ पर फीड हो रहा है। हमने यहाँ पर दे दिया सैयद सुभान और यहाँ पर दे दिया शारजा में रहते हैं। और यहाँ से इसका पिक्चर के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसी बॉक्स के अंदर। डबल क्लिक करेंगे तो फिर हमें वो जो है शो कर देगा। ये देखिएगा यहाँ पर पिक्चर हमने कुछ बना के रखी है डेस्कटॉप के अंदर है कुछ पिक्चर्स। और इस पिक्चर्स में हम ले लेते हैं कोई कोई सी भी पिक्चर ये ले लेते हैं। चलो ओपन किया यहाँ इसको करके ओके किया। ओके करने का देखिए यहाँ पर ये आ गई है पिक्चर। तो मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर पहले 11 थे अब 12 हो चुके हैं। तो इसके देखें ये देखें लास्ट में आपको किया तो 12 शो कर दिया इस टेबल के अंदर आपको शो कर पाए। तो इस तरह से हम इसको फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं नॉर्मल तरीके से। दूसरी जो कमांड है हमारे पास वो है फॉर्म के ऊपर इसमें जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन। अब फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर जब हम देखें जूम इन करके हमने देखा फॉर्म डिज़ाइन। अब फॉर्म डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम खुद से अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे बनाएंगे डिज़ाइन करेंगे और उससे बटन भी बनाएंगे जो नेविगेशन के बटन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये है फॉर्म डिज़ाइन शो किया। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये बार आ गया और जो है ये मेरे जो है किस साइड पर जो है ये आपको टेबल्स जो हमने टेबल्स बनाए थे उसके ये सारे आपको जो है वो शो कर रहा है तमाम कॉलम्स। तो इन कॉलम्स को जो है हम देखें तो इन तमाम कॉलम्स को जो है हम उठाकर लेकर आए हैं इधर। अब उसके लिए हम क्या करें देखें यहाँ पर आईडी ये वो सब आपको शो कर दी। अब इन तमाम को जो है हम वन बाय वन क्लिक करते रहेंगे और वन बाय वन फॉर्म के ऊपर ये जो है मूव करता रहेंगे। जैसा अभी आईडी है अब देखिए मैंने वहाँ से आईडी किया डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इधर आ गया। इसी तरह से मैंने नेम किया और फोन नंबर ये सारे मैंने जो है वहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म के ऊपर आते जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है आपको बॉक्सेस भी शो कर रहा है। इन बॉक्सेस के थ्रू क्या होता है कि आप अपने डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली और बटन कहाँ रखना है कितना फासले के ऊपर रखना है तो इसे हम ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं। और इस मूड के ऊपर जो है आपको बॉक्सेस शो कर रहे हैं। इन बॉक्सेस में के थ्रू जो है आप थोड़ा सा मेजरमेंट कर सकते हैं अपने जो भी डेटा रख जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स रखेंगे है। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया पिक्चर उठा के हमने थोड़ा सा इधर कर दिया। अब उसके बाद जो हम यहाँ से देखेंगे देखिए थोड़ा सा हमने पिक्चर उठा के ऊपर रख दिया और इन तमाम को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया। अब हम ऊपर देखें ये ऊपर ये जूम इन करके देखा यहाँ पर ये सारे ये जो आप रेड सर्किल में देख रहे हैं तमाम जो है इसके अंदर आपको ये बटन्स हैं ऑप्शन बटन्स हैं या मेट्रो बटन है या हाइपरलिंक है ये तमाम आपको यहाँ पर दिखे। तमाम को आप जो है वन बाय वन फॉर्म के ऊपर चेक कर लीजिएगा इसके क्या काम होता है। फिलहाल हम इसके अंदर से देखेंगे ये एक और इसे हम कहते हैं बटन और इस बटन को क्लिक किया क्लिक करने के बाद फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें एक बटन बन गया। अब इस बटन बनने के बाद थोड़ा सा साइड में रखा यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रिकॉर्ड नेविगेशन ये तमाम ऑप्शंस आपको दिखेंगे और उसके सब ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे। अब सपोज करें हम जो है यहाँ सबसे पहले लेते हैं ये रिकॉर्ड वाला लेते हैं ठीक है रिकॉर्ड नेविगेशन। रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर एक दूसरे तीसरे चौथे यहाँ आपको हम इसमें लेंगे ये वाला लेते हैं हम इसके अंदर ओके। इसके अंदर ये लेने के बाद हम ओके करेंगे तो ये इसमें क्या होगा कि आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि या तो ये पिक्चर यूज कर लें या फिर राइटिंग यूज कर लें। अगर राइटिंग यूज करेंगे तो देखें ये जूम करके देखेंगे चले इसको देखें आपको यहाँ पर ये जूम किया फर्स्ट रिकॉर्ड इस बटन से प्रेस करेंगे तो लिखा होगा ये फर्स्ट रिकॉर्ड लेकिन हमें ये नहीं चाहिए हमें पिक्चर चाहिए तो नीचे वो क्लिक करके ठीक है अभी देखें अब शक्ल देखें अब ये वाला लोगो मतलब आएगा बटन के ऊपर हमें ये चाहिए। अच्छा उसके बाद करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट और इसके बाद फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये हमारे बटन बन गया फॉर्म के ऊपर वो बटन बन गया जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर पहुँचना चाहते हैं चाहे आप 20-25 जितने भी रिकॉर्ड के अंदर। अब एक और बटन लिया वहाँ पे क्लिक करने का अब क्लिक कर दिया और यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन के अब हम इसको ले लेते हैं दूसरा वाला थर्ड ये वाला लेते हैं ठीक है इसी को भी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। मतलब अब आप चाहते हैं कि मुझे सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड देखना तो उसका बटन बना रहे हैं हम इसमें और इसको बना दिखा दिए देखें बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा उठाकर जो है ये थोड़ा सा आउट हो गया इसको उठाकर हम यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पर रख लेते हैं ठीक है। दो बटन बन गए एक तो रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट जंप करने के लिए और लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट जंप करने के लिए। अब हम बीच में बनाएंगे इसके दो और बटन जिसमें वन बाय वन आगे जाने के मूव करने के लिए वन बाय वन बैक रिकॉर्ड पे जाने के लिए। तो यहाँ से वही किया हमने बटन क्लिक किया वहाँ पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें ये वाला और ये वाला ऑप्शन दिया सेकेंड लास्ट और इसके ऊपर करके अब हम इस पर करने के बाद इसको
नेक्स्ट करते हैं तो देखें ये हमारे पास आ गया वन बाय वन फॉरवर्ड, वन बाय वन आगे मूव करने के बाद बटन हमने बना लिया। किस तरह से हम उसमें देख रहे थे फॉर्म के अंदर जो एक्सेस ने ऑटोमेटिकली खुद से बना के दिए थे, अब हम खुद से ही बटन बना रहे हैं अपने फॉर्म के ऊपर अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से उसमें कमांड रखें। इसको लिया और हमने इसको ये भी बना दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये आपको ये फर्स्ट में शो कर देगा। अब हमारे पास हो गए ये चार बटन, अब अगर इनको सेटिंग भी कर लें क्योंकि ये जो हमें ग्रिड लाइन के अंदर कहते हैं जो चोर चोक और आपको बॉक्स चोक हो रहा है इसके इनके ऊपर, तो इन तमाम ग्रिड लाइन के थ्रू जो है आप अपने बटन्स को ऑब्जेक्ट्स को अपना इजीली उसको रख सकते हैं, ठीक है। चल इसको बस हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन क्लियर कर दिया और ये करने के बाद हम इसको थोड़ा सा आउट साइज सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आउट हो रहा है, देखें ये थोड़ा सा नीचे किया, अभी थोड़ा सा सेट हुआ और सेट होने का ये हमारे पास जो है ये चार बटन बन गए हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने रिकॉर्ड को जो है मूवमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। हमें रिकॉर्ड डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, बैकएंड पर हमारा डेटाबेस चल रहा है, यहाँ से हम रिकॉर्ड फीड करेंगे और उसको नेविगेट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखें यहाँ पे व्यू फॉर्म पर क्लिक किया, ये वाली कमांड चलाएंगे। अब हम यहाँ पे व्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक किया करेंगे तो क्लिक कर देगा, अब आपको फॉर्म शो कर देगा। देखें इसकी शो कर दिया इसने। अब देखें इस बटन से क्या होगा, ये तो है फर्स्ट पे, इससे क्या होगा सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये देखें वन बाय वन आप रिकॉर्ड को बटन से यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इस बटन से फर्स्ट पे आ गया, इससे लास्ट पे आ गया, तो 12 आपको शो कर रहा था। जैसे देखें नीचे जिस तरह से वो बटन थे हमने उसी तरह से बना दिए अपने लिए बटन्स फॉर्म को डिज़ाइन करते हुए। तो फॉर्म डिज़ाइन से ये फायदा होता है कि आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर बटन्स वगैरह देखें ये सारे हम बटन वही काम कर रहे हैं जो नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इस तरह से हमने देखें ये वन बाय वन मूव कर रहा है, वन बाय वन मूव कर रहा है आगे पीछे फर्स्ट पे लास्ट पे, खुद से जो है आपने बटन बनाया और खुद ही आपने उसके ऊपर एक्शन दे दिया। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और बटन देते हैं, अब एक बटन बनाते हैं हम के रिकॉर्ड ऐड करने के लिए या न्यू रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने क्लिक किया यहाँ पे, अब दूसरा वाला लेंगे हम, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड नेविगेशन और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला बटन और इसके ऊपर भी जो है पिक्चर है वो ले लेते हैं फर्स्ट पे। नेक्स्ट किया, हमें पिक्चर चाहिए, राइटिंग चाहिए बटन के ऊपर, हमें राइटिंग चाहिए बटन के ऊपर, ये ऐड रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिखना है ऐड रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये एक बटन बन गया। अब इस बटन के थ्रू जो हम अपने रिकॉर्ड को स्टार्ट करेंगे और एड का बटन प्रेस करें तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखें एक बटन भी बनाया नीचे और उसको एड रिकॉर्ड का नाम दे दिया। और अब हम जाकर देखेंगे फॉर्म के व्यू के ऊपर, देखें वहाँ जाके फॉर्म डिज़ाइन व्यू पे किया और व्यू पे आने का ये देखें ओके, यहाँ से तो आपको शो कर रहा है सारे रिकॉर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हैं न्यू एड रिकॉर्ड, एड रिकॉर्ड पे जब क्या देखिए देखेंगे एड रिकॉर्ड पे क्लिक किया ये आ गया, ये स्टार्ट हो गया अभी नए रिकॉर्ड के लिए और ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस जो है टेबल के अंदर एड कर देगा। तो यहाँ पे देखें ये पहला हमने दे दिया, ये नाम दे देते चले, इसके अंदर हम डिज़ाइन व्यू पे आते हैं दोबारा से, डिज़ाइन व्यू के अंदर आने के बाद हम दोबारा इसमें देखते हैं कि उसको एडिट करने के लिए हम दोबारा आए, इसको नाम भी दे देते हैं, सेव कर लेते हैं उसको, इसको भी इस फॉर्म को भी। तो देखें नीचे दो फॉर्म हो गए, ठीक है। एक फॉर्म वो पहले वाला था जो नॉर्मल तरीके से बना है, दूसरा वाला वो जो डिज़ाइन फॉर्म से था। देखें फॉर्म वन फॉर्म टू, आप अपने हिसाब से उसको नाम भी दे सकते हैं ताकि आपको ईजीली जो है फीडिंग करने में ईजी रहे। ये ऊपर टेबल था, ठीक है, टेबल का ऑफिस वन नाम था और नीचे जो है आपके फॉर्म्स थे। अब इसको जो है हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट में और क्रिएट में आने के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे फॉर्म विजार्ड। और फॉर्म विजार्ड के अंदर क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर अपने फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा कि एक ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये एक स्टार्ट हो गया जिसके अंदर यहाँ पर आपको शो करेगा यहाँ पर सबसे पहले क्यूरी, क्यूरीज या टेबल, हमने टेबल के ऊपर काम करें, क्यूरीज अभी हमने की नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप क्यूरी या टेबल सेलेक्ट कीजिए, एक ही टेबल था और ये सारे अवेलेबल फील्ड्स हैं, इन तमाम फील्ड को उधर मूव करना है, मतलब जो जो हमें फॉर्म के अंदर चाहिए। तो जितने भी आपके टेबल्स के अंदर फॉर्म होंगे, टेबल्स के अंदर जितने भी फील्ड होंगी उन सबको हम यहाँ पर ले आएंगे, ये वन बाय वन हम सारे लेकर आ गए। उसके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर भी पूछ रहे हैं किस स्टाइल में आपको टेबल चाहिए, फॉर्म चाहिए सॉरी। तो ये हम यहाँ पर इसमें से ले लेते हैं, चले एक पहला वाला ले लेते हैं, ये
और पहले वाले या दूसरा टेबुलेटर जिस स्टाइल में आपको चाहिए या हमने आपको ऑप्शन बोला है, हमने फर्स्ट वाले ले लिया और इसको करने के बाद फर्स्ट पे क्लिक करके व्यू देखना हमने फिनिश कर दिया। तो देखिएगा ये देखें किस तरह से आपको एक फॉर्म डिजाइन करके दे दिया है और उसके अंदर जो है बाकायदा उसको आपको जो है वो शो कर रहा है। ये देखें ये हर एक रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि आप जो है इसमें देखिएगा कि आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ही फ्री हैंड होकर अपना फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है डेटाबेस से ज्यादा आपने फिट करना, या आपको कुछ फील्ड नहीं चाहिए फॉर्म के ऊपर, वो जरूरत नहीं है, लेकिन तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पर आएंगे। अच्छा अब इस यहाँ पर हम इस पर जो है एक और चीज देखें, यहाँ पर हमारे पास ये पहला रिकॉर्ड शो कर रहा है। ये देखिएगा पहला रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पर शो करने के बाद अब अगर हम इसको व्यू करेंगे तो देखें तीसरा भी फॉर्म आ गया आपके यहाँ पर। अब हम भी इसको जो है यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे। देखिएगा राइट बटन प्रेस के यहाँ से भी हम वो कमांड यूज कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे शो नहीं हो रही हो तो। यहाँ से हम देखेंगे डिजाइन, डिजाइन में आ गए। अब डिजाइन में देखें हमारे पास सबसे पहले आपको यहाँ पे शो होगा ये सबसे पहले हेडर एंड फुटर, और इसके अंदर देखें ये थीम्स यूज कर सकते हैं। इस मोड के अंदर आप अपने थीम्स कर लें, देखें इस तरह से आप यूज करें, कलर्स यूज कर लें, इसके अलावा थीम्स इन सबको सिलेक्ट करके इनका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सबको एक साथ सिलेक्ट करने का सबका फॉन्ट एक साथ चेंज कर दें, ये इस काम के लिए आपको इसमें आता है। तो इसमें देखिए थीम्स है, थीम्स कौन सी चाहिए आपको, सपोज करें हम इसमें ये लेते हैं ग्रीन वाले ले लेते हैं, ग्रीन वाले सेलेक्ट करने का ये देखें, और जब हम इसको रन करेंगे फॉर्म को तो ये आपको जो है फॉर्म को उसी तरह से कलर करना शुरू कर देगा। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर आपने देखा है कि जो है किस तरह से हम अपने जो है एक्सेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं, और तीन तरह के हमने मोड देखे फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जिसमें नॉर्मल फॉर्म था या फिर फॉर्म डिज़ाइन था और तीसरा फॉर्म विजार्ड था। अब जिस तरह से आपको सहूलत हो, जिस तरह के भी आपको इजी लगे, आप उन इन तीनों में से जो है जो भी चूज़ करके अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने तमाम तर फील्ड्स को जो है फॉर्म के ऊपर एलोकेट करने के बाद और फिर उसमें बटन भी क्रिएट करने का आप उससे जो है अपना रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं। अब आपको जो है डेटाबेस के अंदर जाने की या रिकॉर्ड या फील्ड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म के ऊपर रहते हुए अपना डेटाबेस जो है फीड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं अपनी एक्सेस के नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह, और फिर जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।